उत्तर प्रदेश से, तो थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना बना दें वीडियो इसका भी। ये पीछे आपको मुझे दिख रहा है, ये श्रीनगर एयरपोर्ट जो कि एक मिलिट्री एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप्ड किया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका लोहे का बना हुआ है। ये रही हमारी बस, देखिए कितनी अच्छी है, साफ सुथरी। और कुछ ही देर में हम लोग अपने होटल पहुंचने वाले थे। मेरे ख्याल से लगे होंगे 2 घंटे होटल पहुंचने में। एज़ हम लोग रुकने वाले थे पहलगाम, पहला दिन हमारा पहलगाम में स्टे था, और ये रहा हमारा होटल। और इस होटल का नाम था द रेजेंसी। बहुत ही अच्छा होटल कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि पहाड़ों पे जीवन थोड़ा सा कठिन होता है। बर्फ़ जमी हुई थी चारों तरफ, फिर भी बहुत ही अच्छा इन्होंने फूड प्रोवाइड किया, बहुत ही अच्छा एम्बियंस था अंदर का। झटका दे रहा है तो बस में ब्लोअर चल रहा था हम लोगों के, तो इसलिए हम लोग को अंदाज़ा नहीं था वेदर कैसा होगा बाहर का। लेकिन बस से उतरने के बाद लिटरली हम लोग कांप रहे थे, वी वर शिवरिंग। और अंदर देखिए, ये अंगीठी टाइप का कुछ जला रखा था होटल ने, जिसमें हम लोग बैठ के आग ताप रहे थे। शीशे लगे हुए थे इसमें, और बहुत ही अच्छे से गर्म कर रखा था, 1% धुआं बाहर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोग बाहर गए, तो बाहर देखिए हम लोग, ये लॉन था उनका, लॉन पे बर्फ जमी हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, थोड़ा घूम टहल रहे थे पत्थर बर्फ के ऊपर। हम लोग के लिए नया एक्सपीरियंस था, तो अच्छा लग रहा था।
गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारा ये पहला दिन था, हम लोग जा रहे हैं आज घूमने चंदनवाड़ी, आरू वैली और बेताब वैली, जहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। उससे पहले हम लोग देखिए होटल से चेकआउट कर रहे हैं और वेदर देखिए कितना अच्छा है, पूरा फुल सनी है। और रात में हम लोग यहीं पर वॉक कर रहे थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इस टाइम दिन में, पूरा का पूरा स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे थे रास्ते में और पूरा सफ़ेद चादर बर्फ़ की ढकी हुई थी चारों तरफ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोग के लिए नया एक्सपीरियंस था, इट वाज रियली गुड, रियली ब्यूटीफुल फॉर अस। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. एंड विद इन नो टाइम हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ से हम लोग को अपनी मिनी बस छोड़नी थी। और छोटी गाड़ियों जैसे इनोवा, टवेरा या फिर कोई छोटी गाड़ी जो फिर पहाड़ पे चढ़ सकती थी, वहाँ पे हमें जाना था। ये देखिए यहाँ पे सड़कों पे बर्फ़ जमी हुई थी, एक परत पूरी, और बहुत ही ज़्यादा फिसलन थी, इसलिए मैंने गम बूट्स पहन लिए थे। और पीछे बैठने के बाद गाड़ी में देखिए व्यू कैसा था, कितना खूबसूरत लग रहा था। ये एंजॉय करिए आप भी इस व्यू को। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on
Full of snow. Aru Valley. दोस्तों ये है आरू वैली। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
चढ़ते जाएंगे। ट्रैकिंग यही है भैया। तो मैंने कहा यार कौन सी पार्टी ली अभी मनाली में, कोई पार्टी नहीं, ये मेरा पर्सनल है। बीच वाला बारी खुला है, गेट दूर से बंद कर गेट। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. अमरनाथ जी यात्रा अलगाम देव अथॉरिटी डेवलपमेंट। माइंड योर लेफ्ट। अरे भैया वो अमीर क्या कर रहा हो, कैमरे की नजर में हो तुम?
मौसम है, देख लो देख लो देख लो, यूट्यूब पे आ जाओ, आ जाओ टूटू। आप सब यूट्यूब में आने वाले हैं? सब यूट्यूब में आ जाएंगे। आइए भैया, गलत बात है ये। भाई साहब फुल ऑफ स्नो है, पूरा आनंद लीजिए आप लोग स्नो का यहाँ पर, बस हाइपोथर्मिया ना हो आप लोग को। पैर देख लीजिए मेरे। अभी खुल गया घर का फटकिया बढ़िया है लोग। चश्मा ना लगाओ, बहुत चमका था नहीं। दोस्तों हम लोग इस टाइम है फुल ऑफ स्नो में, मेरे ख्याल से नीचे से होगी 18 इंच या फिर 2 फीट की बर्फ। पैर पूरा धस रहा है आप लोग देख रहे हैं, लेकिन जन्नत का नज़ारा भी यही है। बाकी आपको मैं वॉइस ओवर दूंगा। वाओ गाइज, इस फीलिंग को वर्ड्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों पर चल रहे हैं। ना खूबसूरत था, चारों तरफ वाइट, एकदम मिल्की वाइट स्नो, इसको बोलते हैं। कुछ भी हम लोग को और इसके अलावा नहीं दिख रहा था। बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया। YouTube पे हो आप, फेमस हो जाओगे आप YouTube पर मारे। गलत चला गया। ये देखिए दोस्तों पहाड़ी नाला, चिल्ड है इसका पानी एकदम, और उतना ही साफ पी सकते हैं आप इसको। बहुत ही खूबसूरत ये है बेताब वैली। दोस्तों इस बेताब वैली का नाम बेताब वैली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र की मूवी जो डायरेक्ट की हुई थी और उन्होंने उसमें अपने बेटे सनी देओल को कास्ट किया था, उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। पूरा सेट यहां पर लगाया गया था करीब 2 महीने के लिए, और अब ये एक तरह का टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। यहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं किसी का गला फाड़ के निकाला जाता है। यहां पर लोग आते हैं, देखते हैं, गोट्स रहती हैं फ़ोटो खींचने के लिए, पिजन्स रहते हैं उनके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हैं आप नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप कर दिया गया है उसी मूवी के अराउंड। हट वगैरह आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर कई सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप कर दी गई हैं, स्नो एक्टिविटीज़ डेवलप कर दी गई हैं। देखिए ट्री हाउस है, इस ट्री हाउस को भी डेवलप किया गया है, चढ़कर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देख
गाइज इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे सिंस ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में डालेंगे, देखना ना भूलें आप लोग। और जिसमें हम कवर करेंगे गुलमर्ग की पहाड़ियाँ जहाँ पर स्कीइंग वगैरह इस टाइम चल रही थी, और प्लस हम लोगों ने गंडोला किया था। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों आप लोग दिखाएंगे।